जो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का निज़ाम चल रहा है उसको देखते हुए एक आम जो यूज़र है जिसके ठीक है, सही वसाइल इतने नहीं है कि वो यूपीएस वगैरह लगवा सके, तो बात उसके है। लिए हमने सोचा कि ये बैटरी फिटेड पंखा होना चाहिए। फैंस में हमारी तीन वैरायटी हैं, ये CDC है और 30 वाट इको स्मार्ट है और EPB टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावर बैंक टेक्नोलॉजी। ये पाकिस्तान में बाद हमारा अदारा है जिसने इलेक्ट्रिक पावर बैंक टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है। इसके ठीक अंदर एक लिथियम बैटरी लगाई हुई है हमने, तो जो कि वो 3 घंटे बैकअप देती है, 2.5 से 3 घंटे। 3 साल मोटर की वारंटी है, है, ठीक 1 साल सर्किट की वारंटी है, 6 माह बैटरी की वारंटी है। है, ठीक कराची में हमारे 9 से 10 सेल पॉइंट जो है ना वो ओपन हो रहे हैं अगले मंथ में, सितंबर में। है। उधर से ही अच्छा, सेल आउट होंगे, उधर से ही वारंटी क्लेम होगी। ACDC का वेट और है, 30 वाट का इको स्मार्ट का और है, ठीक इलेक्ट्रिक पावर बैंक टेक्नोलॉजी वाले का और है। है, ठीक जी एनर्जी सेविंग ही बनाए हैं ये है, टेक्नोलॉजी चेंज करके। पहले 220 फैन चलते थे, अब वो टेक्नोलॉजी चेंज होने से ये ACDC सोलर के लिए भी हो गया और लाइट बिजली के ऊपर भी, और इको स्मार्ट 30 वाट है जो वो बिल्कुल एनर्जी सेवर है। ये 157 mm इसका साइज है, ठीक है, ठीक ये मैग्नेट है इसके अंदर जो इसके अंदर लगता है, है, तो उससे ये पंखा तैयार होता है। ये जो है ना ये तो इको स्मार्ट 30 वाट के सर्किट है, इसी ठीक तरह ACDC का सर्किट होता है। ये ऊपर पंखा आप देख रहे हैं ये है, चल रहा है, ये तो बैटरी फिटेड पंखा है, ठीक वो दूसरी साइड पे वो ACDC पंखा चल रहा है। वो एस डी सी है, ठीक है, तो ये हमारे जो फैन है इको स्मार्ट है, ये जो है टर्बो पे भी चलता है, जो कम से कम वाट है ये 5 वाट पे चलता है और ज्यादा से ज्यादा 30 वाट पे चलता है। जब आप टर्बो पे जाएंगे तो फिर जो है उसकी फ्लक्चुएशन 4-5 वाट ऊपर जाती है। ठीक है, और RPM क्या है इसके? 370 RPM। 370 RPM। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताबिश चौहान। आज मैं मौजूद हूं IS केबल पर। यहां पर इन्होंने पाकिस्तान का पहला बैटरी बिल्ट इन सीलिंग फैन मुतारिफ कराया है, तो इस सिलसिले में हम यहां पर आए थे एक्सपो। यहां पे आपको इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इनके ऑनर से भी बात करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आप भी जानते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना तारुफ करा दें। जी मेरा नाम शाह नसीब है, IS इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का ओनर हूँ। ठीक है, तो हमारी IS केबल्स है और IS फैंस हम जो है ना प्रोडक्शन करते हैं उनकी। क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी, ज़रा वो बताएं। ये फैंस में हमारी 3 वैरायटी हैं, ये ACDC है और 30 वाट इको स्मार्ट है और EPB टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक पावर बैंक टेक्नोलॉजी। ये पाकिस्तान में बाद हमारा अदारा है जिसने इलेक्ट्रिक पावर बैंक टेक्नोलॉजी मुतारफ़ करवाई है। ठीक इसके है, अंदर एक लिथियम बैटरी लगाई हुई है हमने, तो जो कि वो 3 घंटे बैकअप देती है, 2.5 से 3 घंटे। मतलब वो बिल्ट इन है उसके अंदर? हाँ है जी, उस। वो फैन के अंदर ही बिल्ट इन। ठीक है, तो उसका बैकअप वगैरह क्या है, वारंटी क्या है बैटरी की, फैन बैकअप की? बैकअप उसका 3 घंटे है, 2.5 से 3 घंटे, ठीक है, और 3 साल मोटर की वारंटी है, ठीक है, 1 साल सर्किट की वारंटी है, 6 माह बैटरी की वारंटी है। ठीक है, और वारंटी वगैरह क्लेम कैसे करेंगे, मतलब आपका कराची में या कहाँ पर सेटअप है वो ज़रा बताएं। कराची में हमारे 9 से 10 सेल पॉइंट जो है ना वो ओपन हो रहे हैं अगले मंथ में, सितंबर में। उधर अच्छा, से सेल आउट होंगे, उधर से ही वारंटी क्लेम होगी। वहीं से वारंटी क्लेम हो जाया जी करेगी। ठीक है, जी। और ये कितने स्लॉट का होता है? ये 18 स्लॉट। 18 स्लॉट है, 100% कॉपर वाला है? जी, 99.99 99.99। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक यानी कि बना हुआ है या ऐसे ही लोकल है बस? नहीं, ये पूरी स्पेसिफिकेशन जो हमें दरकार है उसके मुताबिक बनाया हुआ। ठीक है, तो ये पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है? जी पाकिस्तान में असेंबल हो रहा है। ठीक है, और इसका वेट वगैरह क्या है, मतलब फैन वगैरह का जो होता है एक नॉर्मल फैन एक? ये मुख्तलिफ वेट हैं, ACDC का वेट और है, 30 वाट का इको स्मार्ट का और है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर बैंक टेक्नोलॉजी वाले का और है। ठीक है, मतलब एनर्जी सेव करेगा, आपको पता है बिजली के बिल से आवाम बहुत परेशान है। जी, एनर्जी तो सेविंग ही बनाए हैं ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज करके। पहले 220 फैन चलते थे, अब वो टेक्नोलॉजी चेंज होने से ये ACDC सोलर के लिए भी हो गया और लाइट बिजली के ऊपर भी, और इको स्मार्ट 30 वाट है जो वो बिल्कुल एनर्जी सेवर है। और ये आइडिया किसका, ये आइडिया कैसे आया है मतलब आपके पास? आइडिया बस ये जो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का निज़ाम चल रहा है उसको देखते हुए एक आम जो यूज़र है ठीक है, जिसके वसाइल इतने नहीं है कि वो UPS वगैरह लगवा सके, सही तो बात उसके है, लिए हमने सोचा कि ये बैटरी फिटेड पंखा होना चाहिए जिससे वो
इससे जो है ना गरीब आदमी भी यानी कि ले सकता है ये। जी जी बिल्कुल। और इसके प्राइस वगैरह क्या रखे हैं आपने? ये बैटरी वाला जो पंखा है ये तकरीबन जो आज का रेट है, रेट तो अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है, ये तकरीबन 16.5 से 17 हज़ार का दे रहे हैं। 16.5 से 17 हज़ार, ठीक है। और अभी एक्सपो में जो आपने लगाया हुआ एग्जीबिशन, जी जी, तो यहाँ पे क्या डिस्काउंट दे रहे हैं आप? ये हमारी ये डिस्काउंट प्राइस ही बताइए, वैसे तो हमारी प्राइस जो है 18,000 समथिंग है। अच्छा। इसके ऊपर हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट के बाद ये है, मतलब किसी शॉप पे अगर बंदा जाए तो वहाँ से ये प्राइस में मिल जाएगा? जी वो जो बंदा हमारे डीलर हैं उधर, उनकी जो भी नॉर्मल जो है प्रॉफिट है उसके बाद वो आपको देंगे, ठीक है। और डीलर वगैरह कहाँ है वो एड्रेस ज़्यादा बताएं? वो एड्रेस हम अभी मेंशन करेंगे क्योंकि वो अभी मेंशन नहीं किए। एक डीलर हमारा जो है वाटर पंप कराची में है। वाटर पंप पे किस नाम से? सैयद ट्रेडर के नाम से। सैयद ट्रेडर, ठीक है। उनका कॉन्टेक्ट नंबर हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो फिर थोड़ा आइटम वगैरह दिखाएं, ठीक है शाहिद भाई, व्यूअर्स को। शाहिद भाई फिर ये सर्किट वगैरह और ये पंखे के बारे में ज़रा बताएं ना व्यूअर्स को, ताकि एक इन्फॉर्मेशन मिले कि है क्या चीज़, क्योंकि एक नई चीज़ है, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? जी जी, ये इसके अंदर जो है ना ये हमारा स्टेटर है, ठीक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक शीट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक शीट से तैयार हुआ है। उसके बाद इसके अंदर ये वाइंडिंग हुई है, जो ये कॉपर की वाइंडिंग है। अच्छा, ये 18 स्लॉट है, ठीक है, ठीक है। कितने स्लॉट है? 18 स्लॉट, ठीक है, ठीक है। और ये फुल जो 157 mm है, 156.7 mm क्या है, 157 mm इसका साइज है, ठीक है। ये मैग्नेट है इसके अंदर, जो इसके अंदर लगता है, ठीक है। तो उससे ये पंखा तैयार होता है। ये जो है ना, ये तो इको स्मार्ट 30 वाट का सर्किट है, ठीक है। इसी तरह AC/DC का सर्किट होता है। ये ऊपर पंखा आप देख रहे हैं चल रहा है, ये तो बैटरी फिटेड पंखा है, ठीक है। वो दूसरी साइड पे वो AC/DC पंखा चल रहा है, वो AC/DC है, ठीक है। तो ये हमारे जो फैन है इको स्मार्ट है, ये जो है टर्बो पे भी चलता है, 6 स्पीड तक मोड कंट्रोल है। कितने वाट पे जाता है ये मिनिमम और मैक्सिमम? ये मिनिमम 5 वाट तक चलता है, ठीक है। और 5 वाट? हाँ जी, 5 वाट पे जाता है। जो कम से कम वाट है ये 5 वाट पे चलता है, और ज्यादा से ज्यादा 30 वाट पे चलता है। जब आप टर्बो पे जाएंगे तो फिर जो है उसकी फ्लक्चुएशन 4-5 वाट ऊपर जाती है, ठीक है। और RPM क्या है इसके? 370 RPM, 370 RPM, ठीक है। और अपना कांटेक्ट नंबर बता दें, कोई कांटेक्ट करना चाहे। ये कांटेक्ट नंबर हम जो इधर अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो है उनके कांटेक्ट नंबर देंगे, ठीक है, तो वही इनको डील करेंगे। और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आपके सेटअप है? मतलब पाकिस्तान में हम पंजाब पूरा करते हैं, KP के करते हैं, ये सिंध करते हैं, तो अभी कराची ओपन किया है, अगले मंथ में इधर 9-10 पॉइंट हमारे होंगे सेल आउट के लिए। कितना टाइम हुआ है शायद भाई ये सेटअप को लॉन्च किए हुए? ये इलेक्ट्रिक पावर बैंक टेक्नोलॉजी को ये जनवरी में हमने लॉन्च किया था, आज से 7 माह पहले। बाकी AC/DC और 30 वाट तो पहले का है। इलेक्ट्रिक पावर बैंक टेक्नोलॉजी वाहद हम है जिन्होंने मुतारफ करवाया, तो ये जनवरी में मुतारफ करवाया था। बाकी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो तो 15-20 साल पहले से हम कर रहे हैं। मतलब लाहौर में ये कामयाब है, फीडबैक कैसा है इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर इलाके में कामयाब है। अच्छा, और आपको कराची में भी कामयाब नजर आएगा? कराची में सही बात है, लोड शेडिंग का इशू है। और बैकअप ये मैक्सिमम कितना देती है बैकअप? ये 2.5 से 3 घंटे, 3 घंटे हम कहते हैं, 2.5 कहते हैं कि 3 तक जाए तो कस्टमर खुश होता है, ठीक है। अगर हम 3 बताएंगे तो 10 मिनट भी कम चला तो कस्टमर सही है। और बैटरी कौन सी होती है, मतलब एक नॉर्मल अगर खराब हो जाती है बाद में चेंज कैसे कर सकते हैं? नॉर्मल ये हमारे सेल पॉइंट से आपको मिल जाएगी, मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी वारंटी वगैरह बैटरी की? वारंटी वगैरह हम इसकी 6 माह देते हैं, इसकी लाइफ बैटरी की जो है 3 से 4 साल, 3 से 4 साल, ठीक है। ये बताएं केबल्स वगैरह में कौन कौन से आइटम है आपके पास? केबल्स में हमारे पास ये जो हाउस वायरिंग है 3 नती 7 नती 4 mm 6 mm 10 mm, ये तो सोलर के लिए इस्तेमाल होती है, सोलर प्लेट के लिए, सोलर के लिए। तो ये बाकी सारी सोलर की आइटमें भी लगी हुई हैं इसमें, 1.5 भी है, 2.5 भी है, 4 mm भी है, 6 mm भी है, 3 नती 7 नती की भी है। ये एक नई चीज़ हमने मुतारफ़ कराई है, ये पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास है। तो ये इंटरनेशनल यूजेज वायर है, ये बाहर के ममालिक में इस्तेमाल होती है, ये THHN वायर है। तो ये
पाकिस्तान की किसी कंपनी के पास नहीं है। तो ये वाहद कंपनी आईएस केबल है, उनके पास है। इसमें 1.5 भी है, 2.5 भी है, 4 mm भी है, 6 mm भी है। तो ये हाई से हाई टेम्परेचर पे भी जो है ना, प्राइस वगैरह कैसे? प्राइस तो ऊपर नीचे होती रहती है। मतलब एक नॉर्मल जो केबल वगैरह होती है वो प्राइस आपको हमारे सेल पॉइंट से मिल जाएंगे। प्रिंटिंग लिस्ट वगैरह जो लगाई भी है आपने, प्रिंटिंग कैमरा का, ये देखें, इसी तरह ये देखें, हर साइज का स्टिकर है, ये सोलर के लिए है। इसी तरह ये इसमें आगे ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये नीचे लगी हुई हैं, ये लगी हुई हैं, ये सारी बहुत सारी वैरायटी है इसके अंदर। ऑटो वायर भी हमारे पास वो साइड पे लगी हुई है सामने, और जो वापडा के लिए इस्तेमाल होती है वो भी है।